الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال وثيابك فطهر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله العظيم गुज़िश्ता जुमा को कसम और उसके कफारा का बयान आप हज़रात के सामने आया। चूंकि ये चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर पेश आते रहते हैं और हम में बहुत सारे लोग हैं जो कसम खाने में एहतियात नहीं करते, इसलिए कसम के ताल्लुक से हमारी शरीयत में और हमारे दीन में क्या हुक्म है और क्या उसकी अहमियत है, किस मौके पर कसम खाई जाए, किस मौके पर कसम ना खाई जाए, किस चीज़ की कसम खाई जाए और किस चीज़ की कसम ना खाई जाए, इस ताल्लुक से बयान हुआ। इन्नल लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनम क़लीला, कि जो लोग अपने वादे को और अपनी कसम को दुनिया के थोड़े से मुआवजे में बेच देते हैं, अल्लाह के नज़दीक पूरी दुनिया के मालो ज़र और मालो दौलत को एक तरफ कर दें, वो भी अल्लाह के नज़दीक समने कलील है, मच्छर के पर के बराबर भी उसकी वैल्यू और हैसियत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कसम खाते हैं दुनिया के थोड़े से नफ़ा के लिए, उलाइक ला खलाक लहुम फिल आखिरा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। गोया कि आखिरत जैसे गुनाहों से, दीगर गुनाहों से बर्बाद हो जाती है, ऐसे इस गुनाह से भी आखिरत के बर्बादी का हुक्म आ रहा है। उलाइक ला खलाक लहुम फिल आखिरा, ऐसी झूठी कसम खाने वालों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, और अल्लाह ताला उनसे आखिरत में बात नहीं करेंगे, इतने नाराज होंगे दुनिया में उनके झूठी कसम खाने की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इतना नाराज होंगे बंदे से कि उससे बात नहीं करेंगे। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, और नाराज़गी इतना ज़्यादा होगी कि उस बंदे की तरफ अल्लाह ताला देखना भी गवारा नहीं करेंगे। दुनिया में आदमी जब नाराज होता है तो बातचीत बंद कर लेता है, नाराज़गी और बढ़ जाती है तो देखना भी गवारा नहीं करता कि अब देखने के लायक और काबिल भी नहीं रह गया। उसी को अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं झूठी कसम खाने वाले, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला उनसे बात नहीं करेंगे। वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन उनकी तरफ अल्लाह ताला देखेंगे भी नहीं। वला युज़क्कीहिम, और चौथी चीज़ फरमाए कि अल्लाह ताला उनको गुनाहों से
उस झूठी कसम का जो गुनाह हुआ है उस गुनाह से पाक भी नहीं करेंगे कि पाकी के बाद वो जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं, ऐसा भी नहीं करेंगे। उसी गुनाह के साथ उनको जहन्नम में डालेंगे, पाक भी नहीं करेंगे। वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। और पांचवा, अल्लाह ताला उनके लिए दर्दनाक अज़ाब रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों को ये बात समझ में आई थी, और कसम का जो कफ़ारा होता है कुछ लोगों ने अपने कसम का कफ़ारा भी निकाला। जुमा के बाद फौरन और हफ्ते में भी कुछ लोगों ने निकाला। ये खुशी की बात है कि दीन की बात, कुरान की बात सुनकर समझ में आ जाए और आदमी अपने गुनाहों से नादिम होकर फिक्रमंद हो जाए और उसकी तलाफी में लग जाए और ये कफ़ारा निकालें या दीगर गुनाहों के लिए माफ़ी तलाफी करें। तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, दुनिया और आखिरत हमारी ही बनेगी। कफ़ारा इसका जो बताया गया था क़ुरान करीम में जो अल्फाज हैं, इसका जो कफ़ारा है वो क्या है? ला युआखिदुकुम अल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन। इसका कफ़ारा 10 मिस्कीन को दोनों टाइम पेट भरकर खाना खिलाना। मिन औसति मा तुत्इमूना अहलिकुम, खाना का लेबल ऐसा हो जो मुतवस्सित हो अपने घर वालों को जो खिलाता हो। और किस्वतुहुम, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाना। औ तहरीरु रकबा, या गुलाम आज़ाद करना या उसकी कीमत देना। अगर ये चारों किस्म का कफ़ारा नहीं हो सकता है तो फमल्लम यजिद फसयामु सलासती अय्याम, तो 3 दिन लगातार रोज़ा रखे। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, ये तुम्हारे कसम का कफ़ारा है जब तुम हानिस हो जाओ, कसम पूरी ना कर पाओ, तो ये कफ़ारा है। वहफ़ज़ू अयमानकुम, और अपने कसम को महफूज रखो। यहाँ तक बात ना पहुँचने पाए कि कसम की ज़रूरत पड़े, और अगर कभी कसम खा लो तो कसम के एतबार से तुम काम करो और अमल करो। ये पिछले जुमा को आप हज़रात के सामने कदरे तफसील से बात आई, और ये बहुत सारे मौके पर हमें और आपके सामने एक कसम के मराहिल पेश आते हैं। उसमें हमें कसम खाना है नहीं खाना है, किसकी कसम खाना है किसकी नहीं खाना है, ये बता दिया गया। और अगर कोई कसम खाकर पूरा नहीं कर पाता है तो उसका कफ़ारा भी बता दिया गया। नमाज अपने अपने अवकात में फ़र्ज है, उसके लिए वक्त मुकर्रर है। दीगर जो इबादात हैं उनके लिए अवकात मुकर्रर हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं तो ये आए वक्त में पेश आने वाली चीज़ें हैं, इसमें एहतियात लाजिम और ज़रूरी है। एहतियात लाजिम और ज़रूरी है। और जितनी चीज़ें आप देखेंगे, चाहे ज़कात हो, चाहे सदका हो, या फितरा हो, या कफ़ारा हो, ये तमाम चीज़ें इसमें खुद आमिल का दुनिया आखिरत का फ़ायदा होता है, साथ साथ दुनिया में गुरबा मसाकीन का भी फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चलाया है तो इसमें गुरबा मसाकीन का भी फ़ायदा होता है, इसलिए कि ज़कात देंगे तो गुरबा को देंगे, सदका देंगे तो मसाकीन को देंगे, कफ़ारा देंगे तो गुरबा मसाकीन को देंगे। तो कमज़ोरों को ख्याल करने की तरफ भी शरीयत हमेशा हमें आपको इंसानियत को मुतवज्जा करती रही है।
गरीबों का, मिस्कीनों का बहुत ज्यादा ध्यान और ख्याल करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ अल्फाज में उन्वान से बताया और बयान किया गया। और ये अल्लाह की मखलूक होती है, ये अल्लाह का कुंबा है, इंसानियत ये अल्लाह का कुंबा है। जो अल्लाह के मखलूक के साथ नरमी का, एहसान का, खैरखाही का मामला करता है तो अल्लाह ताला आखिरत में उसके साथ फजल का और करम का मामला फरमाएंगे। गरीबों का ध्यान देना इस्लाम में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज का जो उन्वान है वो उन्वान है तहारत और सफाई, तहारत और सफाई। ये भी रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त पेश आने वाली चीज है। इस्लाम में इसको एक बड़ा मकाम दिया गया, अतहुर शतरुल ईमान की पाकी एक बड़ा हिस्सा है ईमान का, और दूसरी जगह अतहुर निस्फुल ईमान की पाकी आधा ईमान है। शतरुल ईमान एक बड़ा हिस्सा है ईमान का, निस्फुल ईमान आधा ईमान है। तो पाकी और तहारत, सफाई और तहारत, यह हर इंसान के लिए इस्लाम में जरूरी करार दिया गया कि हर काम में पाकी और सफाई हो। खाना खाने से पहले हाथ धुल लें, हाथ साफ होना चाहिए। खाना खा लिए फिर हाथ धुलिए ताकि हाथ साफ हो जाए। कपड़ा पहनना हो कपड़ा पहले धुल लीजिए फिर पहनिए। बदन पे धूल मिट्टी लगी है बदन को साफ कर ले। जहां आपको बैठना है, आराम करना है तो बैठने की जगह को साफ कर ले, आराम करने की जगह और कपड़े को साफ कर ले। जहां आप तहारत के लिए जाते आते हैं वहां भी तहारत का, पाकीजगी का, सफाई सुथराई का खास ध्यान दें। नमाज पढ़ना है, हर पांचों वक्त नमाज के लिए नमाज पढ़ने से पहले वजू करने का हुक्म दिया गया है कि पहले वजू करो फिर नमाज पढ़ो। जनाबत की हालत में है, गुस्ल वाजिब है, जरूरी है तो नहाने का हुक्म दिया गया कि पहले गुस्ल करो। और कुल्ली नहीं बल्कि गरगरा करो, अगर रोजा नहीं है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाओ। ये सब क्या है? इस्लाम ने सफाई का जो हुक्म दिया है उस पर गौर करें कि सफाई का हुक्म कितने बारीकी से दिया गया है। सिर्फ कुल्ली नहीं करना है, सिर्फ नाक में पानी नहीं बल्कि गरगरा करना है, वजू से पहले मिसवाक करना है, नमाज से पहले मिसवाक कर लें। नमाज पढ़ने के लिए आना है तो एक मजमा होता है तो कच्ची प्याज खा कर ना आए, कच्चा लहसुन खा कर ना आए, कोई बदबूदार चीज खा कर ना आए। जुमा का ईदैन का बड़ा मजमा होता है, उसमें नहाने को, गुस्ल करने को सुन्नत करार दे दिया गया कि नहा कर आओ, बदन साफ करके आओ ताकि तुम्हारे बदन की बदबू से दूसरे को तकलीफ ना हो। अच्छा कपड़ा पहन कर आओ ताकि कपड़े की गंदगी और बदबू से दूसरे को तकलीफ ना हो। नमाज में खड़े हैं, मिसवाक करके आए हैं, दांत साफ करके आए हैं, इससे दूसरे को तकलीफ नहीं होगी। हर मौके पर आप ध्यान दें कि इस्लाम ने सफाई सुथराई का कितना एहतमाम किया है। हमारी सफाई हमारी सेहत के लिए और हमारे बेहतरी के लिए है,
और साथ साथ हमारी गंदगी से दूसरों को जो तकलीफ पहुंचना है और दूसरों को जो तकलीफ पहुंचती है उससे भी रोका गया, मना किया गया। या अय्युहल लज़ीना आमनू खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ऐ आदम की औलाद जब तुम नमाज के लिए आओ तो खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, तो साफ सुथरे होकर आओ। ज़ीनत कपड़ा भी साफ हो और बदन भी साफ हो, बदन और कपड़ा दोनों पाक और साफ हो। सफाई में और तहारत में थोड़ा फर्क है। अगर इस्तेमाल शुदा पानी है, मिसाल के तौर पर कपड़े में मिट्टी लगी है, आपने धुल लिया तो मिट्टी साफ हो जाएगी, कपड़ा साफ हो गया। और अगर बदन में निजासत लगी है और इस्तेमाल शुदा पानी है, आपने धुल लिया तो वो गंदगी साफ हो जाएगी, लेकिन पाक हो जाए आप नहीं, पाकी हासिल नहीं हुई। पाकी के लिए गैर इस्तेमाल शुदा पानी होना चाहिए था, इस्तेमाल शुदा नहीं, गैर इस्तेमाल शुदा। आपने कपड़े में पानी लगाकर गंदगी को पोछ लिया, निजासत तो दूर हो गई, निजासत दूर हो गई, सफाई हो गई, लेकिन पाक हुआ नहीं। पानी टपकना चाहिए, गिरना चाहिए, निचोड़ना चाहिए, फिर पानी लेकर उसको साफ करें, फिर निचोड़ना चाहिए। तो सफाई में और तहारत में ये फर्क है कि तहारत उसमें पाकी के साथ साथ पाकीजगी भी होती है और सफाई में सिर्फ गंदगी दूर होती है। इरशाद है एक जगह, वसियाबक फतहिर, अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं, वसियाबक फतहिर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर वसियाबक फतहिर, कि अपने कपड़े को पाक करिए। या सल्लम के लिए नहीं बल्कि आपके जरिए से हमारे और आपके लिए है। यह हमारे आपके नबी के लिए नहीं बल्कि आपके जरिए से हमारे और आपके लिए है यह हुक्म, इसलिए कि आप सरापा पाक ही पाक थे, इतना पाक थे कि आपके बदन मुबारक से जो पसीना निकलता था वो भी खुशबूदार था, खुशबू आती थी। आपके बदन मुबारक पर मक्खियां नहीं बैठती थी, गंदगी दूर दूर उसका नामो निशान नहीं था। तो आपके जरिए से अल्लाह ताला ने उम्मत को पैगाम दिया है, इंसानों को, लोगों को पैगाम दिया है, वसियाबक फतहिर अपने कपड़े को पाक करिए। فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين। जब आप मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मदीना पहुंचने से पहले आपने मकाम कुबा वहां आपने क़याम किया और आपने पहला जो काम किया वहां पर आपने मस्जिद बनवाई, उसका नाम है मस्जिद कुबा। वहां कुछ लोग जो मस्जिद में रहने वाले आने जाने वाले पाकी और पाकीजगी और तहारत को पसंद करने वाले ऐसे लोग थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में ये आयत नाजिल जब फरमाई कि लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक्वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तकूम फीह, तकवा की बुनियाद पर यह मस्जिद की बुनियाद रखी गई, आप जाइए उसमें नमाज पढ़िए। फीह रिजालु युहिब्बूना, इस मस्जिद के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, अन्य तताहरु, जो पाकीजगी को तहारत को बहुत पसंद करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह ताला इन पाकीजा रहने वाले लोगों को पसंद करते हैं। ये लोग पाकीजगी को पसंद करते हैं और अल्लाह इनको पसंद करते हैं इनकी पाकीजगी के पसंद करने की वजह से।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, किस एतबार से तुम पाकीजगी और तहारत का एहतमाम करते हो? तो उन हजरात ने कहा कि हर काम में हम पाकीजगी का ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि जब हम बौलो बराज के लिए जाते हैं तो पाकीजगी के लिए पहले ढेला इस्तेमाल करते हैं, फिर पानी इस्तेमाल करते हैं, इतना एहतमाम करते हैं। उनकी पाकीजगी की वजह से अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं जो पाकीजगी को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ये पाक हैं, अल्लाहु जमीलुल युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं। किसमें? आमाल में, आमाल में, आमाल को खूबसूरत बनाकर अल्लाह के सामने पेश किया जाए। अल्लाहु नजीफुन युहिब्बुन नजाफा, अल्लाह ताला पाकीजा हैं, पाकीजगी को पसंद करते हैं। इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला आमाल ही आमाल को देखते हैं, सूरतों की पाकीजगी या सूरतों का अच्छा बनाना ये नहीं मकसूद है, मकसूद आमाल का अच्छा बनाना है। एक पाकीजगी कपड़े की होती है, इससे अहम है बदन की पाकीजगी। अगर बदन मुसलसल धूल मिट्टी और मैल कुचैल में रहे तो जिस्म में बीमारी लगेगी, और बदन के पाकीजगी से ज्यादा रूह और दिल की पाकीजगी यानी बातिन की पाकीजगी जरूरी है। वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, पाक रखो गुनाहों से अपने जाहिरी बदन को भी और अपने बातिनी बदन को भी। अल्लाह के नजदीक ज्यादा अहमियत किसकी है? कपड़े की पाकीजगी, यकीनन पाकीजा रखना चाहिए, कपड़े से ज्यादा पाकीजगी की जरूरत है बदन का पाकीजा और साफ सुथरा रहना, और बदन से ज्यादा है उस हिस्से का पाक साफ रहना, पाकीजा रहना जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, यानी अपने बातिन का, अपने दिल का, अपने रूह का, इसका पाकीजा रखना बेहतर है। अल्लाह ताला चेहरों को नहीं देखते, ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला सूरतों को नहीं देखते, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला दिलों को देखते हैं, बातिन को देखते हैं, रूह को देखते हैं, इसको देखते हैं। किसका दिल अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किसका दिल तड़प रहा है, किसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई है, मोहब्बत में तड़प रहा है, यह ऐसा दर्द होता है अल्लाह की मोहब्बत का, ऐसा दर्द होता है जिसकी दवा आदमी नहीं लेता है, कि डॉक्टर के पास जाए इंजेक्शन लगवा ले, नहीं। और अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगा भी दिया, उस इंजेक्शन से कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में आ गई, उसकी दवा नहीं ली जाती है, वो तड़पता है जरूर, उसका दिल अंदर अंदर ऐंठता है, बदन पूरी ऐंठ जाती है, तड़प जाता है, लेकिन वो और भी दुआ करता है कि अल्लाह और बढ़ा दे। हर दर्द के लिए दवा लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, इलाज कराते हैं कि खत्म हो जाए, लेकिन दर्द दिल जो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, ये जब दर्द पैदा होता है तो इसकी दवा नहीं ली जाती है, बल्कि वो बंदा कहता है और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, चीख मारे, ऐठे,
तड़पे, रोए, चिल्लाए, चीखे और बढ़ा दो। अल्लाह ताला टूटा हुआ दिल पसंद करते हैं, टूटा हुआ। हम और आप जो बहुत बना हुआ है, कपड़ा एकदम बेहतरीन है, है बदन अच्छा है, खूबसूरत है, मालो दौलत की कमी नहीं है, ओहदा है, दुकान है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उसको हम पसंद करते हैं। जिसके पास ओहदा भी है, मालो दौलत भी है, हुस्न जमाल भी है, सब कुछ है, तो उसको हम पसंद करते हैं कि बहुत अच्छा है, दोस्ती के लायक है। लेकिन अल्लाह ताला उसको नहीं पसंद करते हैं। अल्लाह ताला उसको पसंद करते हैं जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के महबूब के मोहब्बत में जिसका दिल टूटा हुआ होता है। हम डेकोरेशन वाला मकान और घर पसंद करते हैं और अल्लाह ताला अपने रहने के लिए टूटे हुए दिल को, ईमान वाले का टूटा हुआ दिल उसको पसंद करते हैं, उसमें रहते हैं। वो निजाम अल्लाह का अलग है। तो पाकी और पाकीजगी, तहारत, ये ईमान का बड़ा हिस्सा है। आप गौर करें, इबादात में कुरान पाक पढ़ना हो तो पहले आप खुद पाकीजा हो जाए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, कुरान को हाथ कोई ना लगाए जब तक कि वो पाक ना हो। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जब अपने बहन के घर पहुंचे और कुरान खुद पढ़ने के लिए उन्होंने दरखास्त की और कहा, तो बहन ने कहा कि तू नापाक है, पहले तू पाक हो जा, गुस्ल कर ले, उसके बाद ये अल्लाह का कुरान तुम्हारे हाथ में दे सकती हूँ। ला यमस्सुहु, कुरान के ऊपर ही लिखा रहता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। नमाज पढ़ना है, पाकी जरूरी है, तहारत जरूरी है, नहा ले, वजू कर ले, कपड़ा पाक हो, बदन का पाक हो, एक नमाज के शरायत में से है ना, बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना, जगह भी पाक हो। ये गंदगी जो है रास्ते में गली में हो, आप पानी मार दें, कचरा उठा लें, कचरा उठा लिए, गंदगी साफ हो गई, लेकिन वो जगह पाक हो गई, नमाज पढ़ने के काबिल नहीं, पाकीजा नहीं हुई, पाकीजा नहीं हुई। आप मुसल्ला बिछा कर वहां पढ़ नहीं सकते हैं, अभी सिर्फ गंदगी उठाए। तो हमसे और आपसे सफाई सुथराई के साथ साथ तहारत का हुक्म दिया गया कि अपने आप को पाकीजा बनाओ, पाकीजगी अख्तियार करो। अगर हम और आप देखें तो दुनिया की और कौमें दुनिया के कानून के एतबार से पाकीजगी पर आती हैं और अमल करती हैं। मसलन किसी मुल्क और शहर का कानून हो कि रोड पर चलते हुए आप गंदगी नहीं फेंक सकते, पान खाकर, तंबाकू गुटखा खाकर नहीं थूक सकते, तो उस कानून की वजह से लोग वहां नहीं थूकते, उस रास्ते पर नहीं थूकते, कूड़ा करकट में कुचैल गंदगी नहीं डालते। ये कानून इस मुल्क का है, इस शहर का है। अगर गंदगी फैलाएंगे तो जुर्माना देना पड़ेगा। तो दुनिया के कानून के एतबार से जो लोग पाकीजगी अख्तियार करते हैं वो मकसूद नहीं है, वो तो एक इलाके की बात हो गई, एक शहर की बात हो गई, एक जगह की बात हुई। इस्लाम जो पाकीजगी, सफाई सुथराई और तहारत को कहता है, वो आपको हमको अपने घर से लेकर दुनिया के हर खित्ते, हर गोशे, हर जगह के बारे में कहता है कि आप अपने घर में रहें तब भी सफाई सुथराई पाकीजगी से रहें, आप अपने घर से बाहर जाएं किसी भी हिस्से में और कहीं भी जाएं तो पाकी के साथ, सफाई सुथराई के साथ रहें। और यही क्या कम है कि हमारे दीन और इस्लाम ने इस सफाई सुथराई को सदका करार दिया। एमातुल अज़ा
अनित तरीक सदका, रास्ते से गंदगी को हटा देना, तकलीफ देह चीज को हटा देना, शीशा हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, कांटे हो, हटा देना, इसको इस्लाम ने सदका कहा है कि बंदा नेकी के वजह से कि ये नेकी का काम है, ये नेक अमल है, नेकी समझकर बंदा उस तकलीफ देने वाली चीज को हटा देगा। इसके लिए नामे आमाल में हटाना नेकी लिखी जाएगी, इमातुल अज़ा अनित तरीक सदका, कि रास्ते से तकलीफ दे चीजों को, गंदगी को हटा देना ये सदका है। जैसे बच्चों से काम लेने के लिए कुछ इनाम रख दिया जाता है कि ये काम करो ये इनाम मिलेगा, ऐसे पाकीजगी को फैलाने के लिए और लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो, इसके लिए शरीयत ने उस चीज के हटाने को सदका करार दे दिया कि ये सदका और नेकी है। हम करते क्या है, घर में झाड़ू लगाए और रोड पर फेंक दिए, दुकान पे झाड़ू लगाए और रोड पर फेंक दिए, क्या हमारे पास अलग से एक डब्बा नहीं बन सकता है? हमारा अपना निजी भी तो एक डब्बा हो सकता है। शहरों में गाड़ियां आती हैं, कचड़े लेकर जाती हैं, तो वो हम अपने भी डब्बे में रख सकते हैं, चाहे मकान वाले हो या दुकान वाले हो। आम आदत हो गई है, दुकान साफ करेंगे पूरा कूड़ा करकर रोड पे जो है फेंक देंगे, दुकान तो इनकी साफ हो गई, लेकिन जब हवा चलती है दाएं बाएं तो फिर उड़ के आता है वो। लेकिन आपने इस्लाम पर कहां अमल किया? अमल जो करना था वो तो इस्लाम पर नहीं किए। इस्लाम ने पाकीजगी का, तहारत का, सफाई सुथराई का हुक्म दिया था। वो दुकान जो साफ किए, मकान साफ किए, डब्बा नहीं है कोई प्लास्टिक थैली ले ले उसमें भर के किनारे रख दे, गाड़ी आती है उसमें डाल दे, नहीं आती है आप बाहर निकले उसको लेके जाए, इस्लाम ने हुक्म दिया है ना। इसके जरिए से हमें नेकी कमाना है। हम नमाज पढ़ने आए हैं, क्यों आए हैं? नेकी के लिए आए हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो हमें नेकी मिलेगी, जकात देंगे हमें नेकी मिलेगी, तिलावत करेंगे नेकी मिलेगी। अगर इंतजाम ना भी होता तो फिर भी हमारी जिम्मेदारी थी कि इसको हम अपने हाथों से अपने दीगर कामों की तरह इसको भी अंजाम दें, इसको भी करें। तो ये पाकीजगी है कि जो लोग उस मस्जिद में, मस्जिद कुबा में पाकीजगी को पसंद कर रहे थे, अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए आयत नाज़िल फरमाए कि अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करते हैं, फीह रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, कि गुनाहों से अपने जाहिर को भी पाक करो और गुनाहों से अपने बातिन को भी पाक करो, और नमाज का जब वक्त हो तो पाक और साफ होकर आओ, पाक और साफ होकर आओ। इसी तरीके से किसी मजलिस में जाना हो, किसी मजमे में जाना हो, तब भी ऐसी चीज खाकर ना जाओ जिससे मुंह से बदबू आए, जैसे गुटखा है, कच्ची प्याज है, कच्चा लहसुन है, और भी चीजें हैं कि जब हम मुंह खोलें हवा बाहर निकले तो ऐसा ना हो कि उससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, मना किया गया। पाकीजगी का हुक्म, और अल्लाह तबारक व ताला ने पाकीजगी को इतना पसंद किया कि अपने कलाम का नाम भी आगे पाक रखा, कलामे पाक, अल्लाह पाक, रसूल पाक। क्या समझाना चाहते हैं? हमें आपको बतलाना चाहते हैं कि पाकी अल्लाह तबारक व ताला को महबूब है। पाकीजगी तुम भी अख्तियार करो,
उसी को अल्लाह तबारक ताला पसंद करते हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अदा फरमाए। और देखिए बिहार वगैरह में सैलाब आया है, जो हजरात वहाँ से वाकिफ हों उन लोगों की जरूर मदद करें। एक बड़े तादाद में जो है वहाँ लोग परेशान हैं सैलाब की वजह से।